नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नॉलेज और एंटरटेनमेंट चैनल। और टुडे हम जो बात करने वाले हैं, और गाड़ी का डेली रूटीन चेकअप्स क्या करने चाहिए, और वो आप खुद उस चीज़ को कर सकते हैं। अगर आपके पास गाड़ी है तो ये करना मैंडेटरी है, कर सकते हैं, आपकी अपनी गाड़ी है इसलिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लीकेज की। अगर आपकी गाड़ी में कोई भी लीकेज है नीचे से अंडर चेसी, तो आप उसको देख सकते हैं। आप नीचे से आप मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसका जो नीचे से ग्राउंड क्लियरेंस है उसको दिखा रहा हूँ। नीचे से आप कोई भी न्यूज़पेपर जो है आप गाड़ी के नीचे जो है वो बिछा सकते हैं, उससे आपको लीकेज की एग्जैक्ट पता लग जाएगी कहाँ जैसे लीकेज हो रही है, क्योंकि जो भी लीकेज होगी वो डायरेक्ट उसी पे गिरेगी। यार ठीक, आपको उसके अपोजिट उसको पैरेलल साइड में ऊपर देखना है कि वहाँ से वो लीकेज हो रही है। तो कोई भी रेडिएटर की लीकेज हो, ऑयल की लीकेज हो, गेयरबॉक्स ऑयल की हो, कोई भी लीकेज हो, तो आपको वहाँ से डायरेक्ट इजिली पता लग जाएगी। तो सेकेंड फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट है हम बैटरी के बारे में बात करते हैं। बैटरी के आपको पता है, ये बैटरी में पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। सबसे पहले हम इस पे मोस्टली जो है रस्ट की प्रॉब्लम रहती है, और रस्ट यहाँ पे आप देखोगे व्हाइट कलर का, इस पे तो है नहीं, बट वैसे व्हाइट कलर का यहाँ पे रस्ट फॉर्मेशन हो जाती है। और वो रस्ट फॉर्मेशन होती है ड्यू टू इवेपोरेशन ऑफ H2SO4। बैटरी में जो लिक्विड रहता है H2SO4 रहता है, जिसको इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं, तो अगर वो इवेपोरेट हो रहा हो कहीं से या लीकेज हो रही हो, तो यहाँ पे वो रस्ट फॉर्मेशन हो जाएगी। उसकी प्रॉब्लम ये है कि वो रेजिस्टेंस का काम करती है। मींस अगर आपकी बैटरी जैसे चार्ज होती है, अल्टरनेटर्स को चार्ज करता है, तो वो चार्जिंग प्रॉपर नहीं हो पाएगी। जब हम सेल्फ लेते हैं तो यहाँ से प्रॉपर वोल्टेज जो है पास नहीं हो पाएगी। तो ये सेकेंड पॉइंट है। अगर आप उसको, अगर आपके पास यहाँ रस्ट फॉर्मेशन है, तो आप उसको निकाल सकते हैं रेगमार के थ्रू या कोई भी चीज़ लेके, प्रॉपर तरीके से उसको निकालनी पड़ती है। ओके, सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट हम बात करते हैं कूलेंट। ये हमारा कूलेंट बॉक्स है, इसके ऊपर लिखा भी है, आप पढ़ोगे यहाँ पे क्वेश्चंस। तो फर्स्ट है कि नेवर ओपन हॉट। अगर इसको ओपन नहीं, क्योंकि इसमें जो बार है, प्रेशर कितना रहता है 1.4 बार, तो इसको डायरेक्ट ओपन नहीं करना अगर आपकी गाड़ी एकदम गर्म है। और इसमें आपका जो मेंटेन करना पड़ता है वो मैक्सिमम और मिनिमम, यहाँ आप देख पाओगे मैक्सिमम और मिनिमम। तो कूलेंट अभी मैक्सिमम के ऊपर है, मैक्सिमम के बिल्कुल मैक्सिमम के साथ है। अगर इससे ऊपर जाता है तो भी जो है वो आपको ओवरफिल नहीं करना है, और मिनिमम से अगर नीचे जाता है तो भी इसको फिर दोबारा से आपको जो है वो कूलेंट लेकर इसमें फिल करना है। तो ये चीज़ें हैं, क्योंकि अगर ये कूलेंट की कमी रही तो आपके इंजन कूलिंग में भी प्रॉब्लम रहेगी, जिससे आपका इंजन बहुत जल्दी हॉट हो जाएगा। नंबर थ्री, यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे पानी डालते हैं किसके लिए, जो हमारा वाइपर मोटर्स होती हैं, तो फ्रंट विंडशील्ड और रियर विंडशील्ड के लिए जो वाइपर मोटर लगाई जाती हैं, उसके लिए यहाँ पे हम जो पानी डालते हैं, इसको तब तक भरना है जब तक ये फुल ना हो जाए। तो इसके ऊपर लिखा रहता है, देखो निशान बना हुआ है इसके ऊपर, तो दे रखा है। तो ये आपका फोर्थ पॉइंट है। नंबर फिफ्थ, आपका ब्रेक ऑयल। यहाँ पे आप देखोगे पिंक कलर में यहाँ पे ब्रेक ऑयल है, इस पे भी मैक्सिमम और मिनिमम जो है वो मार्क्स दिया हुआ है। इसके बीच में ही जो लेवल है ब्रेक ऑयल का वो रहना चाहिए, क्योंकि अगर ब्रेक ऑयल लेवल कम होता है तो भी आपका जो ब्रेक प्रेशर है उसमें जो है वो प्रॉब्लम आ सकती है। फिफ्थ पॉइंट है, बात करेंगे हम यहीं पे साथ में ही, डीपस्टिक दी जाती है, इसको डीपस्टिक कहते हैं। हर इंजन में जो है आपको ये मिल जाएगी। तो डीप स्टिक से जो है हम जो अपना इंजन का जो लेवल है, ऑयल लेवल है, उसको जो है वो हम चेक करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, इसको चेक करने से पहले आपकी गाड़ी प्लेन सरफेस पे होनी चाहिए, और थोड़ी देर जो है वो आपका इंजन जो है वो आप स्टार्ट होना चाहिए। उसके बाद आप उसको बंद कर दीजिए इंजन को, और उसके बाद आप ये डीप स्टिक निकालिए। थोड़ी देर प्लेन सरफेस पर खड़ा करने से क्या होगा कि आपका जो लेवल है ऑयल का, इंजन का लेवल जो है वो बराबर आ जाएगा, जिसको आपको चेक करने में आपको प्रॉब्लम होगी। अगर आप इसको स्टीप पे, चढ़ाई या उतराई पे खड़ा करोगे, तो इंजन का लेवल भी उस तरह से हो जाएगा, और आपका जो लेवल यहाँ पे जो मार्क आएगा वो भी गलत आएगा। तो इसलिए लेवल आपका सही होना चाहिए इंजन का। तो प्लेन सरफेस पे गाड़ी होनी चाहिए। यहाँ पे देखोगे कि आप यहाँ पे मार्क दिए गए हैं, तो इस मार्क के बीच में ही कहीं ना कहीं जो आपका लेवल आना चाहिए। तो इसके लिए सबसे पहले आप डायरेक्ट इसको निकालोगे नहीं, सबसे पहले जब आप इसको निकालोगे तो इसको कपड़े से वाइप कर लोगे। मेरे पास कपड़ा है नहीं अभी। फिर आप इसको दोबारा लगाओगे, और दोबारा लगाने के बाद आप जो है इसको फिर दोबारा से इसको चेक करोगे, तो आप देखोगे कि यहाँ पे ये मार्क आ रहा है। तो इट मीन्स आपका इंजन ऑयल जो है अभी फुल है। नंबर सेवन पॉइंट की बात करेंगे। नंबर सेवन, जो आप देखोगे अपने वाइपर ब्लेड्स को चेक कर लोगे कि वाइपर ब्लेड में, इसको वीडिंग बोलते हैं, ये आप जो पोर्शन देख पा रहे हो इसको बीड बोलते हैं। तो ये अगर आपका, जैसे काफ़ी आपकी गाड़ी जो है चल चुकी है, और आपने इसको अभी चेंज नहीं करवाया है, 1-2 साल से ऊपर आपकी गाड़ी का टाइम हो गया है, तो उससे नीचे भी हो सकता है कि अगर ख़राब हो चुके हों,
ये जो बीड है ये क्या होता है कि ये वियर एंड टीयर हो जाता है इसमें, और बीड के नीचे आप देखोगे कि यहाँ पे जो है नीचे सिर्फ मेटल होती है, तो अगर ये घिसता रहेगा, वियर एंड टीयर होती रहेगी, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि मेटल बिल्कुल पास आ जाएगी, और इसकी वजह से आपके जो मिरर है उसके ऊपर, विंडशील्ड जो है उसके ऊपर जो है वो स्क्रैचेज आना शुरू हो जाएंगे। तो आपको ये चीज़ भी नोटिस करनी है कि क्या आपके वाइपर ब्लेड के जो बीड है क्या वो अभी ठीक है या उसका वियर एंड टीयर हो चुका है। 8 पॉइंट हम बात करेंगे आपका जो टायर है उसकी वियर एंड टीयर की। तो वियर एंड टीयर में आप ये चेक करोगे कि आपका टायर जो है वो यूनिफॉर्म, मतलब एक समान वियर हुआ है या नहीं हुआ है, तो आप ये चीज़ विजुअली चेक करोगे। इसमें आप देखोगे कि ये जो चीज़ें होती हैं इनको ट्रेड बोलते हैं, दिस वन इनको ट्रेड्स बोलते हैं, ऑटोमोबाइल जार्गन में इनको ट्रेड्स बोलते हैं। तो इनका जो मेन काम है वो तो एक तो ग्रिप बनाना, रोड ग्रिप बनाना, और दूसरा कि ये जब बारिश होती है तो ये ट्रेड्स जो हैं वो बारिश के दौरान काम आते हैं, ताकि जो पानी है बारिश का रोड पर उसको ये आसानी से पास कर पाए। अदरवाइज अगर इसमें ट्रेड्स नहीं होंगे तो ये वाटर को पास नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से रोड पे जो है वो आपका व्हील स्किट होगा। तो इसमें आपको एक तो ट्रेड्स देखने हैं कि ये घिसे तो नहीं है, दूसरा यूनिफॉर्म वियर देखना है कि आपका टायर एक समान तरीके से घिस रहा है या नहीं घिस रहा है। अगर नहीं घिस रहा है तो आप देखेंगे कि कई बार टायर इस साइड से घिसता है, इस साइड से घिसता है, कई बार टायर सेंटर में से घिसता है, तो उसका भी रीजन होता है। डिटेल में ये अलग वीडियो में आपको बता दूंगा, पर अभी मोटा मोटा बता देता हूँ कि अगर आपका मान लो टायर दोनों तरफ से घिस रहा है तो इट मीन्स आपके टायर में जो प्रेशर है वो कम है। अगर वो बीच में से घिस रहा है तो इट मीन्स आपके टायर में प्रेशर जो है वो ज़्यादा है। तो ये चीज़ आप जो है वो नोट कर सकते हैं और विजुअली नोट कर सकते हैं। ये बहुत इफेक्ट डालता है स्टेयरिंग सिस्टम पे, आपकी कंट्रोल पे, आपकी माइलेज पे, और कोई भी नुकसान या एक्सीडेंट होने से जो है वो आपको बचा सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप ये चेक कर लीजिएगा। डिटेल में वीडियो मैं बना दूंगा इसमें, क्योंकि इसमें एंगल्स देखने पड़ते हैं, कैम्बर, कास्टर, टो इन टू आउट, तो इन सब चीज़ों के लिए मैं अलग से एक वीडियो श्योर फॉर श्योर बनाऊंगा। तो ये आपका नेक्स्ट पॉइंट रहा। 9 पॉइंट में बात करेंगे हम इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की। अगर आप देखेंगे कि आपके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे कोई अनयूजुअल लाइट आ रही है तो इट मीन्स उसमें कोई प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले जैसे आप गाड़ी का स्विच लगाते हैं तो आप देखोगे बहुत सारी जो वार्निंग साइंस हैं वो निकल के आते हैं, डिस्प्ले होते हैं, और कुछ वार्निंग साइंस जो हैं अगर आपने सिर्फ स्विच लगाया है तो वो स्टेबल रहेंगे। उसके अलावा अगर आप जैसे ही इसको सेल्फ लगाएंगे तो सेल्फ लगाने के थोड़ी देर बाद आप देखोगे कि सारे वार्निंग साइंस जो हैं वो चले जाएंगे। अगर आपको सिर्फ यहाँ पे दो वार्निंग साइंस दिख रहे हैं, एक आपका जो है वो सीट बेल्ट का, क्योंकि मैंने अभी सीट बेल्ट लगाई नहीं है, और दूसरा जो है वो हैंड ब्रेक का, अभी हैंड ब्रेक मैंने जो है अप्लाई करके रखी हुई है, तो ये जो साइन है ये एक हैंड ब्रेक का है। तो ये चीज़ हमें नोटिस करनी है। 10 पॉइंट जो है हमारा वेंट्स का चेक करना है हमें। एसी, अगर जैसे एसी वेंट्स है हमारे, तो अगर मान लो हम सर्दी हैं तो हम ज़्यादा एसी यूज़ नहीं करते हैं, बट सर्दियों में भी हमें एसी जो है वो यूज़ करना चाहिए। बेशक आप गाड़ी के सारे दरवाजे खोल दीजिए और एसी जो है आप उसको फुल ऑन करके 1-2 मिनट के लिए आप उसको रख दीजिए। उससे क्या होगा कि आपका जो भी अंदर डस्ट वगैरह डिपोजिशन हो रही है तो वो बाहर निकल जाएगी, और एसी आपका वर्किंग में रहेगा तो वो अच्छी बात है, क्योंकि बहुत टाइम तक एसी को बंद करना, उसमें कुछ ना कुछ फॉल्ट तो है वो आ सकता है। तो ये एसी वेंट्स के लिए है। उसके बाद आपका जो विंड स्क्रीन है, रियर विंड, जो दोनों आपको क्लीन होने चाहिए, और आपके वेंट्स जैसे मैंने कहा कि ये वाले वेंट्स भी क्लीन होने चाहिए। इससे क्या होगा कि आपका जो डिफॉगर सिस्टम जैसे गाड़ी में दे रखा होता है, तो ये डिफॉगर जो है वो तभी काम करेगा जब आपके वेंट्स जो हैं वो प्रॉपर जो है वो क्लीन हो गया। अदरवाइज आपका डिफॉगर भी जो है वो प्रॉपर तरीके से जो है वो काम नहीं करेगा। फ्रेंड्स, ये थे आज के कुछ डेली रूटीन चेकअप्स जो आपको करने चाहिए अपनी गाड़ी में। आपको अपनी गाड़ी अगर सही रखनी है तो करने चाहिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, एंड थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।